हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोल ऑफ केमिस्ट्री। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग हमारे ऐप को भी आ सकते हैं गूगल प्ले पर सोल ऑफ केमिस्ट्री सर्च करके, ठीक है। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, आज हम क्या करेंगे, जो थर्मोडायनामिक चेंजेस इन एडियाबेटिक एक्सपांशन हम डिस्कशन कर रहे थे, उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और क्लास एंड करेंगे। क्लास ज़्यादा लंबा नहीं है, अप टू 15 मिनट्स तक होगा। आई होप यू विल यू नो कंटिन्यू टू द एंड। एंड माई फ्रेंड, थर्मोडायनामिक चेंजेस इन एडियाबेटिक एक्सपांशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था वो है कि चाहे वो रिवर्सिबल पाथ हो या फिर इरिवर्सिबल पाथ हो, जो पहले कैलकुलेट करना चाहिए थर्मोडायनामिक चेंजेस में वो है चेंज इन टेम्परेचर। वो है चेंज इन टेम्परेचर। एंड वो चेंज इन टेम्परेचर क्या है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। एंड अगर हमको इनिशियल टेम्परेचर पता है, ये अच्छे तरह से पता है हमको कि इनिशियल टेम्परेचर में, इनिशियल टेम्परेचर से जो फाइनल टेम्परेचर पहुंचेगा कोई सिस्टम ऑफ चेंज में, रिवर्सिबल प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर जो होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर वो नहीं होगा, क्योंकि पाथ डिफरेंट है। इसीलिए हम जब डेरिवेशन कर रहे थे उनमें जो फर्स्ट हम डिराइव किए वो था रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एंड अलग से टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी वही सीवी डेल्टी, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी से वर्क डन, क्योंकि एडियाबेटिक एक्सपांशन में बाहर से हीट ऑब्जर्व होता नहीं है, तो जो भी एक्सपांशन काम होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में वो इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस में होगा। चेंज इन एंथैल्पी डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, यानी वो उधर भी वही आर डेल टी, यानी डेल टी एवरी टाइम हमको जरूरत है जब हम थर्मोडायनामिक चेंजेस इन एडियाबेटिक एक्सपांशन के बारे में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलिए कुछ देखते हैं प्रॉब्लम्स अबाउट एडियाबेटिक एक्सपांशन। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रॉब्लम इज लाइक दिस फॉर यू। कुछ वॉल्यूम का गैस गिवन है जो कि इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल प्रेशर में एनटीपी में है। एनटीपी में, एनटीपी मींस नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी इसका इनिशियल टेम्परेचर है 273 केल्विन एंड नॉर्मल प्रेशर जिसको हम कंसीडर करते हैं 1 atm प्रेशर। एनटीपी का मतलब है टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना। तो ये जो गिवन गैस है वो पहले इस टेम्परेचर इस प्रेशर में था, जो एक्सपांड कर रहा है रिवर्सिबली। कितने वॉल्यूम तक यानी वो एक्सपांड कर रहा है? जो इनिशियल वॉल्यूम था, जो इनिशियल वॉल्यूम था इसका 3 times ज्यादा हो जा रहा है फाइनल वॉल्यूम। सो यानी जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का 3 times हो जाता है, इज एक्सपांडेड रिवर्सिबली टू 3 times ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम इन टू डिफरेंट paths, आइसोथर्मली एक्सपांड करेगा और एडियाबेटिकली अगर एक्सपांड करेगा तो हमारे ये टू डिफरेंट केस में, तो हमारे ये टू डिफरेंट केसेस में फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होगा डिटरमिन करने के लिए बोल रहा है। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिससे हमको पूरा डीपली हमको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ये जो बोल रहा है आइसोथर्मल, हमको पता है आइसो मींस सेम, थर्मल मींस टेम्परेचर, जो प्रोसेस में टेम्परेचर कंस्टेंट रहता है इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड, आइसोथर्मल प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर एंड इनिशियल टेम्परेचर सेम ही होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। T1 इज इक्वल टू T2, ठीक है। एंड ये तो टेम्परेचर की बात, एंड हमको पता है कि अगर टेम्परेचर सेम है, इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टांट, हमको पता है PV = RT फॉर 1 mole ऑफ गैस। PV = nRT, अगर n = 1 तो बन जाएगा PV = RT। वेयर इज माई इरेजर? सो दिस इज PV = RT फॉर 1 mole ऑफ गैस। ये टेम्परेचर सेम हो गया, यानी ये टेम्परेचर सेम है यानी कॉन्स्टेंट, R is also ए कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। सो PV = कॉन्स्टेंट यानी के
आर इंटू टी मिल के एक कॉन्स्टेंट दे रहे हैं के, यानी पी प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो मल्टीप्लाई होंगे वो हमेशा कॉन्स्टेंट वैल्यू देंगे, यानी अगर पी वन के साथ वी वन मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो जितना है, पी टू के साथ वी टू मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इतना आएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड लेट में देखेंगे, हम देख भी चुके हैं जब डेरिवेशन कर रहे थे, ये हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में। माय डियर फ्रेंड्स, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, तो टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर तो इनिशियल टेम्परेचर के साथ सेम है, अभी कैसे हम डिटरमिन करेंगे पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। पी वन कितना है रे, 273, तो इम्प्लाइज हम क्या करेंगे, सो हमको पता है पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, पी वन इनिशियल प्रेशर है, सॉरी इनिशियल प्रेशर माय डियर फ्रेंड इनिशियल प्रेशर है 1 atm इंटू वी वन जितना भी है। अभी क्या करेंगे, पी टू को डिटरमिन करना है, अभी वी टू इज नथिंग बट थ्री टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, तो वी वन गेटिंग कैंसल्ड, सो देन हमारा क्या हो जाएगा रे, हमारा ये हो जाएगा कि फाइनल प्रेशर कितना हो जाता है 1/3। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी चलेंगे, ये तो गया आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात। अभी क्या करेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर एक्सपांशन होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अभी चलेंगे सेकंड आई केस के लिए, जिधर प्रोसेस हमारे लिए एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। एंड एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारे लिए अलग सा फॉर्मूला है, हमको पता है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या है, हमको पता है इधर T1/T2 इज इक्वल टू V2/V1 टू द पावर गामा माइनस वन। माई डियर फ्रेंड, गामा इज नथिंग बट, और एक चीज भी इधर गिवेन था, CP/CV इज इक्वल टू 154, यानी CP हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बाई हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दैट इज नॉट नथिंग बट इक्वल टू गामा पॉइजन्स रेशियो। एंड इसका वैल्यू वेरियस गैसेस के लिए, मोनोएटमिक, डाईएटमिक, ट्राईएटमिक के लिए कैसे 1.6, 1.4, 1.3 होता है, लेकिन इधर गिवन है हमारे लिए, ड्रायर के लिए बोलता है 1.4, तो गामा इज नथिंग बट 1.4। So we can apply, we can substitute gamma for 1.4. So yani T1/T2, T1 कितना है रे, सीधा हम apply करेंगे, इधर final temperature है initial temperature T1 है 273, T2 to be calculated is equal to V2 is nothing but 3 times the initial volume 3V1/V1, ये तो V1 है ना, V2 is equal to 3V1, हम इधर सब्स्टिट्यूट कर ले, बाय V1 इधर V1 है, टू दी पावर क्या है गामा, गामा इज नथिंग बट 1.4 माइनस 1, मतलब ये बनता है 273/T2 इज इक्वल टू V1 गेटिंग कैंसल्ड 3 to the power 1.4 माइनस 1, यानी 0.4। प्रॉब्लम यह है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, जब ऐसे अब्सर्ड पावर आ जाता है 1.5, 0.4, 0.3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये पावर को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग लॉग्स एंड एंटी लॉग्स, कैसे कि हम क्या करेंगे, से इफ कंसीडर, नाउ कंसीडर 3 to the power 0.4 इज इक्वल टू से एक्स, राइट, हमको पता नहीं ये वैल्यू क्या है, तो बोथ साइड में हम लॉगरिथम लेंगे, लॉग 3 to the power 0.4 इज इक्वल टू लॉग एक्स, यानी ये लॉग एक्स टू दी पावर वाई इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स, यानी ये इधर आ जाएगा, यह हो गया 0.4 log 3 इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है माई डियर फ्रेंड। ओके, सो अभी क्या करेंगे, आपको तो ये प्रॉब्लम पता है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी सी। सो लॉग एक्स, सो अभी क्या करेंगे, 0.4 लॉग 3 का वैल्यू होता है 0.4771, हमको याद रखना है एटलीस्ट लॉग 2 इज इक्वल टू 0.3010, लॉग 3 इज इक्वल टू 0.4771। इधर से वेरियस अप्लाई करके फॉर्मूला लॉग 4, लॉग 5, लॉग 6, लॉग 8, लॉग 9 ये सब वैल्यू हम डिटरमिन कर सकते हैं। 0.4 इंटू 0.4771 इज इक्वल टू बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स लॉग एक्स। ठीक है, तो ये कुछ भी वैल्यू आ जाएगा ना, कुछ भी एक वैल्यू आ जाएगा, जैसे कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे कि इधर आ रहा है 4, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 30, 4 4 जा 16, 19। ठीक है, सो नाउ 4 5 1 2 3 4 5, ओके 0.19084। सो ये जो वैल्यू आता है इस ये इज इक्वल टू लॉग एक्स। अभी हम क्या करेंगे, हमको किसका वैल्यू था डिटरमिन करने के लिए, एक्स का वैल्यू डिटरमिन करना था, इसलिए हम क्या करेंगे, दो साइड में एंटी लॉग ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 0.19084 इज इक्वल टू एंटी लॉग लॉग, ये होगा ना एंटी लॉग फिर लॉग एक्स, यानी एंटी लॉग रिवर्स इनवर्स फंक्शन होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग ओनली एक्स। इसका आंटी लग ले जाएंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह हम जब डिटरमिन करते हैं, इसी फर्स्ट में हमको आता है टेम्परेचर 176 केल्विन, क्या आता है रे माय डियर फ्रेंड T2, इस मतलब जब इसको हम सॉल्व करेंगे 3.04 एक वैल्यू आ जाएगा, ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3.32 × 0.4, एक्स डिटरमिन हो जाएगा लॉग एंड आंटी लॉग को लेके, जो वैल्यू आ जाएगा इधर पुट कर लेंगे तो फाइनली हमको मिल जाएगा, इधर आ जा रहा है टेम्परेचर T2 फर्स्ट एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में। हम क्या करते हैं, जब फाइनल टेम्परेचर हम डिटरमिन करते हैं वो आता है, आंसर आता है कितना 176, अब करके देखना 176 केल्विन। ठीक है, ये गया फर्स्ट आई का फाइनल टेम्परेचर कैसे हम डिटरमिन करेंगे, ये चीज को कैसे हम सॉल्व करेंगे ये हम डिटरमिन कर लिए। फिर फाइनल प्रेशर कैसे डिटरमिन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हमको पता है P1V1 to the power gamma इज इक्वल टू P2V2 to the power gamma, राइट। तो ये P1V1 to the power gamma, P2V2 to the power gamma को यूज करके एडियाबेटिक एक्सपांशन में ये बन जाएगा P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1 to the power gamma। P1 कितना था, इनिशियल प्रेशर कितना था 180 atm, 1/ P2 है कितना, P2 है कितना टू बी डिटरमिन, इसको कैलकुलेट करना है। फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का कितना टाइम्स है, 3 times है भाई, V1 to the power gamma कितना था, गामा था 1.4। ठीक है, तो V1 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाता है 3 to the power 1.4, ठीक जैसे कि हम उस टाइम पे टेम्परेचर डिटरमिन कर रहे थे 1/P2, इसको डिटरमिन करने के लिए 3 to the power 1.4 को एक्स कंसिडर करते हैं, लॉग लेंगे, लॉगरिथम दो साइड लेंगे, जो इसका वैल्यू आएगा इसका एंटी लॉग लॉग एक्स, तो खाली एक्स रह जाएगा, इसका वैल्यू हमको डिटरमिन इजीली मिल जाएगा। तो इसी तरह हमारा इधर प्रेशर आता है कितना, प्रेशर आता है, अब सॉल्व करके देखना, ये आंसर मेरे पास नहीं है, आंसर डिटरमिन करके कमेंट सेक्शन में इसको डालना है, एंड लेट अस सी हु इज करेक्ट। थैंक यू सो मच। सो ये था फर्स्ट प्रॉब्लम आपके लिए। सेकंड प्रॉब्लम क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपके लिए सेकंड प्रॉब्लम। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आएगा तो पहले जो कैलकुलेट करना है वो है डेल यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इधर से ये आ जाएगा और इधर से ये आ जाएगा और फिर डेल एच को हम इंडिविजुअली सेपरेटली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ओके। सो सॉल्यूशन में ये तो पूरा एडियाबेटिक ही दे रहा है, ठीक है, एंड जो गिवन इधर है वो गिवेन है आपके लिए CV इज इक्वल टू 3/2R,
सी भी ओनली गिवेन है, गामा गिवेन नहीं है, 3/2 r ये दिया है आपके लिए। अगर हमको गामा पता होता तो हम अप्लाई कर लेते T1/T2 = V2/V1 to the power γ-1। लेकिन इधर गामा पता नहीं है हमको, इसलिए कुछ अलग तरीका हमको अपनाना पड़ेगा। वो क्या है, जब हम डिराइव कर रहे थे माय डियर फ्रेंड डेरिवेशन के वक्त हमको मिला था एक एक जगह हम पाए थे सीबी लोन T2/T1 = R log V1/V2। माय डियर फ्रेंड्स अभी क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, सीबी लोन T2/T1 हमको क्या करना है, पहले फाइनल टेम्परेचर डिटरमिन करना है, इस फाइनल टेम्परेचर को यूज करके डेल्यू डिटरमिन करना है। इसलिए ये जो फॉर्मूला है इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो सीबी के जगह हम क्या अप्लाई करेंगे माय डियर फ्रेंड, हम अप्लाई करेंगे ये आर को इस साइड पे ले आएंगे, CB/R log T2/T1 = log V1/V2। ठीक है, तो CB कितना है 3/2 r/r, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 r/r, CB/R यानी CB के जगह 3/2 r/r log T2/T1 = log V2/V1। ठीक है, अभी 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 किधर से शुरू हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 ऐड करने के बाद ये बन जाता है एम्प्लाइज 3.2 r/r यानी ये सिंपली 3.2 लॉन, फाइनल टेम्परेचर को डिटरमिन करना है, इनिशियल टेम्परेचर है 300। ठीक है, ओके, अभी फिर इस साइड पे लॉन V2 यानी फाइनल वॉल्यूम कितना है 20 liter by decimeter cube यानी 20 लीटर बाई इनिशियल वॉल्यूम है V2/V1/10। ओके, ये T2/T1 log T2/T1 log V1/V2। माय डियर फ्रेंड्स ये है V1/V2, अगर ये V1/V2 है 3.2 log T2/T1 log V1/V2 यानी 10/20 ये बन जाता है log 2। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ये इक्वेशन की भी ऐसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए फाइनल टेम्परेचर आ जाता है 189 केल्विन। इधर आ जाता है ये, इसको सॉल्व करेंगे टेम्परेचर T2 आ जाएगा 189 केल्विन। ठीक है, अभी क्या करेंगे, टेम्परेचर फाइनल एंड इनिशियल हमको अभी गिवन है यानी हम डिटरमिन कर चुके हैं फाइनल टेम्परेचर, इसको यूज करके डेल्टी एंड डेल्टी सीबी डेल्टी करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको मिलेगा, ये प्रॉब्लम हमको पता है। अभी हम क्या करेंगे, डाटा हम लिख लेंगे, V1 था 10 लीटर, V2 था 20 लीटर, T1 था 300 केल्विन यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड और क्या गिवन है, CB = 3/2 r, और क्या गिवन है एडियाबेटिकली वॉल्यूम इधर से इधर तक मोनोएटमिक गैस है तो आगे चलता है। सो डेल यू हमारा हमको पता है, ये del U = nCV del T, इधर n इक्वल टू कितना है 1 mole ऑफ गैस, तो ये बन गया हमारे लिए 1, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। सी भी कितना है 3/2 r, सी भी कितना है 3/2 r इंटू डेल्टी, डेल्टी कितना है रे माई डियर फ्रेंड, डेल्टी है T2 - T1, ये जो T2 आया कितना, T2 आ जाता है 189 केल्विन, इम्प्लाइज डेल्यू होगा 3/2 r का वैल्यू हम पुट करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू 189 केल्विन माइनस कितना है रे फाइनल टेम्परेचर, कितना है फाइनल टेम्परेचर, कितना है फाइनल टेम्परेचर है फाइनल T2 मान, ये तो है फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 300। ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड था ना,
अरे ये फाइनल टेम्परेचर कम क्यों हो गया ना? हाँ, एक्सपांशन के लिए इंटरनल एनर्जी का एक्सपेंस होगा, यानी इंटरनल एनर्जी कुछ कम हो जाएगा, इसीलिए तो इधर माइनस आ रहा है। सो इसको सॉल्व करो और पाओ जो आया वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एक के बाद जो डेली का वैल्यू हो रहा है वो क्या हमको दे रहा है, क्योंकि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जितना कम हो जाएगा वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 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 ये जो माइनस वैल्यू क्यों हो रहा है कि डेली यू माइनस डेली यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी जितना ये जो वैल्यू आ रहा है वही है वर्क डन का वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू आ जाएगा माइनस समथिंग ये हो जाएगा वर्क डन, वर्क डन बाय द बॉडी विल बी नेगेटिव। ओके, सो ये बन गया डेली यू एंड डब्ल्यू का जो हम डिटरमिन करते। तो अभी क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, डेली के बाद क्यू 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 को बाद डिस्कशन करेंगे। क्यू क्या है बोलिए, क्यू क्या है? ये एडियाबेटिक एक्सपांशन है, इधर बाहर से हीट आता नहीं है, सो क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ये सब गिवन डाटा था हमारे लिए, अभी क्यू जीरो है। फाइनल क्या निकालना है? फाइनल है डेल एच का वैल्यू डिटर्मिन करना। तो डेल यू का वैल्यू आ जाएगा, डेल यू का वैल्यू इधर था 1384 जूल, मैं सॉल्व करके इधर रखा हूं माय डियर फ्रेंड्स, -1384 जूल। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, डेल यू का वैल्यू तो हमको पता चल गया, सो हम डेल एच वैल्यू डिटरमिन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल ऑफ, क्योंकि एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी हमको पता है ना, तो ये बन जाएगा डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल ऑफ पी वी, यानी डेल एच इज इक्वल टू बन जाएगा डेल यू, ये तो हम डिटरमिन कर चुके हैं, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस, लेट मी चेंज द मार्कर, ये बन जाएगा प्लस पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एडियाबेटिक एक्सपांशन में टेम्परेचर चेंज होता है, इसलिए पी वन वी वन जितना पी टू वी टू इतना नहीं होगा। सो इसलिए हम एडियाबेटिक एक्सपांशन में कभी भी पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू नहीं होता। तो ठीक है, वैल्यू का वैल्यू तो हमको पता है, इसको कैसे डिटरमिन करेंगे? ये वन मोल गैस के लिए है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यानी हम पुट करेंगे पी वन वी वन हो जाएगा एन आर टी वन, पी टू वी टू हो जाएगा एन आर टी टू। सो पी वन वी वन के जगह पुट करेंगे एन आर टी वन, एंड इसके जगह पुट करेंगे एन आर टी टू, यानी डेल एच बन जाता है, डेल यू है -1384 माइनस एन आर, ठीक है, प्लस एन आर टी वन माइनस एन आर टी टू, ये हो जाएगा डेल एच का वैल्यू -1384 प्लस एन आर कमन ले आएंगे टी वन माइनस टी टू। ओके, सो डेलेज बन जाएगा -1384, ये वन मोल के लिए गैस है, आर के वन वन मोल नो, ये वन मोल का गैस है ना, सो एक डालेंगे हम इसके लिए 8.31, आर के जगह हम पुट करेंगे 8.314, इनिशियल टेम्परेचर है 300, फाइनल टेम्परेचर है 189 केल्विन, जैसे कि हम डिटरमिन कर रहे किए थे, टेम्परेचर कितना आ रहा था 189 केल्विन आ रहा था ना, तो 189 केल्विन डालिए और डेलेज डिटर। ऐसे इसी तरह हम क्यू डेल यू एंड डेल यू चेंज इन एंथैल्पी एंड वर्क डन डिटरमिन कर लिए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड द क्लास, इफ एनी डाउट यू मे पुश द कमेंट डाउन द वीडियो एंड वील सी, एंड आई वेलकम यू टू माय ऐप माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज वेरी वेरी पायस हेवनली ऑफर फॉर यू, राइट? जो भी थ्री ट्रीज प्लांट करता है, ज़्यादा प्लांट करेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर कोई भी थ्री ट्रीज प्लांट करता है उसके लिए मैं आपको मेरा आप जो आप में जो भी कोर्स है
उसका 50% रिडक्शन तुरंत हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू सो मच, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।